आदाब सलाम टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं उमरम खान इस वक्त लेकर हाजिर हूं बड़ी बहस। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन में परिवारवाद की एंट्री हो चुकी है। जम्मू के डोडा में पीएम मोदी ने इंतखाबी रैली को खताब किया। रैली से खताब करते हुए पीएम मोदी ने परिवारवाद पर जमकर हमला किया और कहा कि तीन खानदानों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है। हमला था एनसी, पीडीपी और कांग्रेस पर। उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी के परिवारवाद पर किए जाने वाले हमले का जवाब दिया और कहा कि जब बीजेपी को इन पार्टियों की जरूरत थी तब ये पार्टियां बुरी नहीं थी, लेकिन अब बुरी हो गई हैं। ये सिर्फ एक सियासी जुमला है। इसी पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन में परिवारवाद की एंट्री, किसके लिए बजेगी खतरे की घंटी? निशाने पर तीन खानदान, रियासत को बर्बाद करने का इल्जाम। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन में आज परिवारवाद ने एंट्री ले ली। पीएम मोदी जम्मू के डोडा में इंतखाबी तशहीर पर थे। सामने थे बड़ी तादाद में लोग। पीएम मोदी ने मंच से खिताब करते हुए कई वादे किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर को टेरर फ्री बनाने जा रही है। पीएम मोदी ने इस इलेक्शन को लेकर ये तक कहा कि यही इलेक्शन जम्मू कश्मीर की किस्मत तय करेगा। लेकिन जो बात पूरे खिताब में सबसे ज्यादा चर्चा का मौजू बना वो है परिवारवाद। पीएम मोदी ने मंच से परिवारवाद को लेकर खूब निशाना साधा। पीएम ने रियासत के तीन खानदान पर जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का इल्जाम लगाया। तीन खानदान यानी तीन पार्टी, कांग्रेस, पीडीपी और एनसी। इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। इस जुबानी हमले के बाद रियासत की सियासत में हड़कंप मचा। इल्जाम तराशी का दौर वापस से शुरू हुआ। जब हमला किसी के खानदान पर हो तो उन खानदान से कुछ जवाब तो आएगा। जवाब आया उमर अब्दुल्ला का। उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी के परिवारवाद के इल्जाम को महज चुनावी जुमला बताया। जब बीजेपी को इन फैमिलीज में से किसी की मदद की जरूरत थी तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। अभी मुश्किल से 5-6 साल हो गए पीडीपी के साथ, तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आई। आप यकीन माने, कल को अगर बीजेपी के नंबर कम पड़े और पीडीपी ने उनको दोबारा मदद करने का फैसला किया, उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आएगी। ये वक्त की बात है ना, आप ये सियासी तकरीरें होती हैं और इलेक्शन के बाद इन चीजों को बुलाया जाता है। अभी तो शुरुआत है, इलेक्शन के फैसले में अभी वक्त है। आगे आगे देखें परिवारवाद का मुद्दा किन पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकता है और किन्हें सीधा फायदा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। तो जम्मू कश्मीर में परिवारवाद पर सियासत इस वक्त तेज होती हुई नजर आ रही है। इसी पर बातचीत करते हैं खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ है, तारुफ आप कराते हैं, फिर शुरुआत करते हैं चर्चा की। आदिल मन्हास, स्पोक्स पर्सन बीजेपी जम्मू कश्मीर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुजफ्फर डार साहब, कांग्रेस लीडर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और सोहेल काजमी साहब चर्चा में शामिल हो रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। खैर मकदम है आपका। आदिल मन्हास साहब, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं क्योंकि पीएम मोदी ने जैसे ही परिवारवाद का मुद्दा छेड़ा जम्मू कश्मीर के अंदर, उमर अब्दुल्ला का बयान आ गया कि खुद की जरूरत होती है तो कोई खामी कोई कमी नहीं दिखती है। पीडीपी साथ चली गई बीजेपी और अब मन से उसी की तनकीद की जा रही है और मुस्तकबिल में भी उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर खामियों को दुरुस्त कर लिया जाएगा, इन खामियों को दूर कर लिया जाएगा। जी देखें, आज जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज स्पष्ट अल्फाजों में कहा, उन्होंने क्लियर कहा कि जम्मू कश्मीर में रहने वाला हर कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उसको हम मजबूत करेंगे, मजबूती देंगे और उसके जो अधिकार हैं उसकी अधिकारों की हम रक्षा करेंगे। और जहां तक बात है पॉलिटिकल पार्टीज की
अन्य पॉलिटिकल पार्टीज जो आज दिन तक जिनका एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है यहाँ पे अशांति फैलाने में, यहाँ पे दंगे फसाद कराने में, यहाँ पे माहौल खराब कराने में, आतंकवाद को बढ़ावा देने में, पत्थरबाज को बढ़ावा देने में, तो इन सभी पार्टीज को, इन सभी हम अपना जितने ये दल हैं, इन सभी दलों को हम अपनी तरफ से यही चाहेंगे कि जनता बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी का साथ दे और हम लोग तरक्की की ओर पे, तरक्की की राह पे आगे लेके चले जम्मू कश्मीर को। बिल्कुल ठीक है, मुजफ्फर डार साहब से भी एक रिएक्शन इसी पर चाहेंगे, परिवारवाद पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं, फिर आदिल साहब तफसील से आपसे भी बातचीत करेंगे। मुजफ्फर डार साहब, देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी आज आए थे तो उनका ये कहना कि परिवारवाद, लेकिन मेरा ये मानना है आदमी का एक करेक्टर होना चाहिए, एक कमिटेड होना चाहिए। अगर आज वो परिवारवाद कहते हैं परिवारवाद, लेकिन सही में आज ये भी कि जब उनको इनकी जरूरत पड़ती है, जैसे पीडीपी के साथ उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई थी यहाँ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे, और वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहां तक चला, क्या था वो थोड़ी मतलब उस पे फिर चले और उसमें भी वो मुखर गई। तो ऐसे ही ये बार बार ऐसे कहते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे हम देखें, ग्राउंड लेवल की बात करें, ग्राउंड लेवल पे कहीं पे नहीं है। आप तो कह रहे हैं यहाँ सुख देने की बात, लेकिन यहाँ के लोगों को आज तक दुख के सिवा कुछ मिला ही नहीं बीजेपी के द्वारा। तो आप देखिए, अगर कुछ दिया था वो कांग्रेस ने दिया था, अगर यहाँ आर्टिकल 370 दिया था वो कांग्रेस ने दिया था, और इन्होंने वो आर्टिकल 370 को तो वो तरक्की की राह में एक सबसे बड़ा रोड़ा मानते हैं, और इसी वजह से कहा जाता है कि आर्टिकल 370 को स्क्रैप आउट किया। आप मुझे बताइए, बिल्कुल चलो ये तो मानते हैं, लेकिन मुझे आप ये भी बताइए ना, 10 सालों में कौन सी यहाँ तरक्की हुई? जब 2019 में आर्टिकल का एप्लीकेशन हुआ तो ये अगर रात दिन हम गिने तो 10 साल हो गए, तो 5 साल तो ऐसे बीत गए, 5 सालों में यहाँ कौन से तारे इन्होंने तोड़ के लाए? और यहाँ अगर ये गिनते ना तो इनको परिवारवाद को आप छोड़िए, परिवारवाद को क्या करना है आज इनको गिनना था। यहाँ मैंने नौकरियां कितनी दी हैं बीजेपी के द्वारा, कितनी नौकरियां मिली है स्टेट को, इनको गिनना था यहाँ कौन सी तरक्की उतनी हुई, यहाँ क्या हुआ, बिजली फीस कहाँ है, मीटर स्मार्ट मीटर कैसे लगे, वो गिनना था ना, तो कैसे। लेकिन परिवारवाद हमेशा परिवारवाद परिवारवाद, लेकिन जब भी इनको जरूरत पड़ती है तो उनके साथ ही गठजोड़, और जब जरूरत नहीं पड़ती है तो फिर डस्टबिन में उनको डालते हैं, तो कभी उनको एनआईए के इसमें फंसा के, कभी सीबीआई का रेड डाल के। तो मुझे ये बताइए, अगर ये रेड डाल के या तो ये अपने लिए इनको इस्तेमाल करते हैं धमका डरा के, तो ऐसा होना चाहिए अगर वाकई में कोई मुलवस है, अगर वाकई में कोई किसी चोरी में मुलवस है तो लोगों के सामने लाइए ना, तो हम मानते हैं, लेकिन लोगों के सामने आज तक जीरो। लोगों के सामने लोग भी आप समझ रहे हैं कि जब भी कुछ होता है तो ये अपने लिए, अपने मफाद के लिए यूज करते हैं कि इसने चोरी की है इसको जेल में डालो, फिर बाद में। चलिए ठीक है, इसका जवाब भी ले लेंगे आदिल मन्नास साहब से। सोहेल काजमी साहब इस वक्त हमारे साथ, बेहतर समझते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत को सोहेल काजमी साहब, क्योंकि शुरुआती दौर में जब मैनिफेस्टो जारी होने शुरू हुए थे तब भी हमने बातचीत की थी कि किस तरीके से अवामी मसाइल जो है उनके इर्द गिर्द मैनिफेस्टो घूमते हुए नजर आए, और काफी सताइश भी इसकी की जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे कैंपेनिंग अब आगे बढ़ रही है परिवारवाद का मुद्दा जो है वो भी जम्मू कश्मीर पहुंच चुका है, और ये सवाल उमर अब्दुल्ला भी खड़े करते हुए नजर आए, पीएम मोदी जब खिताब करके कश्मीर से लौटे हैं कि अपने कंफर्ट के हिसाब से परिवारवाद एक मुद्दा बन जाता है, लेकिन उस मुद्दे को हल भी कर लिया जाता है अगर सरकार फॉर्म करनी हो तो। देखिए बिल्कुल उमर अब्दुल्ला ने जो कहा है उसमें कुछ सच्चाई है, जिसपे उन्होंने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, और इलेक्शंस ऐसा दिन होते हैं महीना या डेढ़ महीना जब तक इलेक्शन चलती है कि आप मुद्दों को बुनते रहते हैं रिलीजियस लाइंस पे, पार्टी लाइंस पे, परिवारवाद पे, या और ऐसे मुद्दे जो इररिलेवेंट मुद्दे होते हैं, लेकिन वोटरों को रिझाने के लिए किसको क्या अच्छा लग जाता है और वो वोट आपकी झोली में आ जाए, ये कंसर्न रहता है। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब किसी भी स्टेट में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, जहां ये आज सुबह थे, ये वही डिस्ट्रिक्ट है जहां इससे इनसे पहले इंदिरा जी जब प्राइम मिनिस्टर थी तब आई थी, और उनके बाद नरेंद्र मोदी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए हैं, और ये जो बच्ची वहां से इलेक्शन लड़ रही है, इसके फादर और चाचा दोनों मिलिटेंट्स के हाथों शहीद हुए 2 साल पहले परिहार परिवार से।
तो एक सिंपथी गेन कर सकते थे, वो सिंपथेटिकल जो 10 सालों में काम किया है उसको नरेट कर सकते थे प्राइम मिनिस्टर। आने वाला फोर्थ जो व्यू है, जो विजन है उनके मैनिफेस्टो में, उस पर चर्चा हो सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो सारी पोलिटिकल पार्टीज और सारे चीजों से बड़े ऊपर के सतर को डील करते हैं, उनको ये बातें मुझे लगता है ये शोभा नहीं देती हैं। और 2014 और 24 में जो प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज में आज देख रहा था उसमें भी ट्विस्ट है। मोदी वेव जो है ना तो इंडिया में आप एग्जिस्ट कर रही है, पार्लियामेंट इलेक्शन में एग्जिस्ट नहीं की उतनी जितनी 2014 में थी। जम्मू कश्मीर में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ परफॉर्मेंस की वेव है, डेवलपमेंट की वेव है, नरेटिव चेंज है, लोग वोट डालने वाले भी बिल्कुल वेट कर रहे हैं कि वोट कब डालें। ये वैसा जम्मू कश्मीर, बदलता जम्मू कश्मीर है, और इलेक्शन लड़ने वाले भी न्यूमरस हैं जहां इलेक्शन लड़ने से डरते थे लोग। जो इन्होंने चेंज किया 10 सालों में उसकी नरेशन करते तो मैं समझता हूँ इतने काम इन्होंने किए हैं, उनकी बेशुमार गिनती है, उन चीजों पे बात करते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन यह कि अब उनको कौन एडवाइस करता है जम्मू कश्मीर के, कैसे उनके एडवाइजर्स हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन यह है कि जब आप इतने स्तर से नीचे आएंगे, परिवार देखिए पूरे हिंदुस्तान में कोई एक परिवार बताइए जिसके बच्चे हैं और पॉलिटिक्स में नहीं है, बेटा नहीं है तो बेटी है, बेटी नहीं है तो बहू है, बहू नहीं है तो दामाद है, दामाद नहीं, कोई भी स्टेट मुझे बता दीजिए जहां परिवारवाद नहीं है। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, वकील का बच्चा वकील बनना चाहता है, तो ये मुद्दा नहीं है। और इलेक्शंस में खासकर ये जो एक बड़ी हिस्टोरिकल इलेक्शन है, खासकर एप्रोगेशन के बाद, इस पे सबकी होप्स हैं और पूरी दुनिया जम्मू कश्मीर को देख रही है कि इलेक्शन जो है एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करेगी 8 अक्टूबर 2024 में, और उसके आगे जम्मू कश्मीर की राहें हमवार होंगी। तो मैं समझता हूँ उसे बहुत अच्छी चीजें थी जो वो डिस्कस कर सके थे, लेकिन ये परिवार के बात के बीच में फंस गए। ठीक ठीक, आदिल मनाज साहब से जवाब ले लेंगे कि कई मुद्दे थे जो बातें कही जाती हैं कि जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाने के लिए किए गए, वो मुद्दे बुनाते हुए तो नजर नहीं आए। परिवारवाद एक मुद्दा है, क्या लगता है काम आता हुआ दिखाई देगा? जी जहां तक बात है आज के अपना जो चुनावी बयानबाजी जो हुई आज, उस बयानबाजी में शायद से हमारे जो अन्य साथी हैं इन्होंने सुना नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट अल्फाजों में ये चीज क्लियर कर दी। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा को एक ऐसा जम्मू कश्मीर, भाजपा के अंडर एक ऐसा जम्मू कश्मीर हम देना जा रहे हैं, जो एक ऐसी सरकार हम देने जा रहे हैं जो टेरर फ्री होगी और टूरिस्टों के लिए स्वर्ग होगी। और जहां तक बात है हमारा, उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा आई वॉन्ट एवरी किड इन जम्मू एंड कश्मीर टू हैव एक्सेस टू गुड एजुकेशन। तो इस तरह से उन्होंने ब्रीफिंग में, अपनी ब्रीफिंग में उन्होंने पूरी एक एक चीज उन्होंने जो है उन्होंने स्पष्ट अल्फाजों में क्लियर की, और उन्होंने हर गरीब परिवार के लिए जो 7 लाख रुपए या 5 लाख रुपए से बढ़ा के जो 7 लाख रुपए तक का एक पैकेज दिया मुफ्त इलाज के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत, तो ये एक स्पेशल पैकेज है हमारे जम्मू कश्मीर वासियों के लिए, और जिसमें आतंकवाद और हिंसा का साया जो है पूरे जम्मू कश्मीर से हटा के जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की समाप्ति को देखते हुए, मद्देनजर देखते हुए जम्मू कश्मीर में अब जो आतंकवाद है वो अंतिम सीमा पे है, ये उन्होंने क्लियर किया। तो इस तरह से काफी सारी जो चीजें हैं, काफी सारी बातें हैं आज प्रधानमंत्री जी ने क्लियर की, और जिसमें उन्होंने डेवलपमेंट का भी एक बड़ा मुद्दा रखा। और जहां तक बात है परिवारवाद की, तो कुछ पार्टीज जो अन्य दल हैं हमारे, इनको ये शुरू से ही परिवारवाद में बिलीव करती है और परिवारवाद की राजनीति करती है, तो उन्होंने आज यही मैसेज कन्वे किया कि परिवारवाद से ऊपर उठते हुए हमें लोगों की भलाई के लिए काम करना है, हमें जम्मू कश्मीर। आदिल साहब, सवाल यही पूछा जा रहा है कि ये जो काउंटर किया जाता है बीजेपी की ओर से परिवारवाद का, हालांकि परिवारवाद को ही ऑपोजिशन अपनी ताकत बताता है कि एक के बाद एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हम आवाम की खदमत करने के लिए पहुंच रहे हैं, परिवारवाद का मुद्दा जब छिड़ता है तो उसे हक में भी इस्तेमाल करता हुआ ऑपोजिशन नजर आता है। और इसीलिए सवाल पूछा जाता है क्या बीजेपी के लिए दूसरी रियासतों में ये मुद्दा काम आया था कि जम्मू कश्मीर में भी इस पर अब सियासत होने लगी? देखिए परिवारवाद की जहां तक बात है, ये शुरुआत होती है कांग्रेस से, और आगे हमारी जो एनसी है यहाँ पे रीजनल पार्टी, वो भी इसी के ऊपर बिलीव कर रही है, इसी के ऊपर काम कर रही है, पीडीपी भी इसी के ऊपर काम कर रही है। तो ये जो पार्टीज हैं जिन्होंने अलायंस किया हुआ है, ये सभी इसी के ऊपर काम कर रहे हैं, बेसिक विचारधारा इनकी यही है।
इसी से ऊपर उठते हुए आज प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया कि इसी से ऊपर उठते हुए हमें राजनीति करनी चाहिए और आगे लोगों के लिए हमें काम करना चाहिए। ठीक है आदिल साहब, उमर अब्दुल्ला एक छोटा सा सवाल ये भी पूछते हुए नजर आए हैं कि मुस्तकबिल में अगर बीजेपी को जरूरत पड़ेगी तो इतनी तनकीद के बाद भी पीडीपी का सहारा लिया जा सकता है बीजेपी की ओर से, क्या बीजेपी इस पर क्या कुछ कहना चाहेगी, किस तरह का स्टैंड देगी? जी बिल्कुल, बीजेपी जो है ये अपने दम पे सरकार बनाएगी और किसी का सहारा लेने की बीजेपी को जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से जो माहौल, जो लोगों का विश्वास हमें देखने को मिल रहा है, इससे क्लियर है कि बीजेपी अपने दम पे यहाँ पे सरकार बनाएगी जम्मू कश्मीर। ठीक ठीक, मुजफ्फर डार साहब जवाब आपसे लेंगे। बिल्कुल, ये तो ऐसे ही सरकार ये सपने देख रहे हैं, जैसे कि 400 पार इन्होंने नारा लगाया था, तो 400 पार कहाँ हुआ जबकि बहुमत में 272 भी ये पार नहीं कर पाए। आप देखिए इनका क्या रहा, ये जो अभी की सरकार है ये लंगड़ी सरकार है, तो उसके लिए भी बैसाखी का सहारा लेना पड़ा है इनको। तो अभी ये खाबे गफलत में है, अभी भी सोच रहे हैं कि हम यहाँ सरकार बनाए। लेकिन मैं लिख के दे देता हूं इनको कि इनका यहाँ एड्रेस नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बार बार यही कह रहा हूं कि यहाँ के लोग बहुत दुखी है, क्योंकि रोजगार नहीं है, क्योंकि ये बाकी रियासतों की तरह ये रियासत हमारी ये नहीं है कि यहाँ इंडस्ट्रियां बहुत है। इन्होंने इससे पहले ये नारा भी दिया था कि रुकावट है 370, अब डेवलपमेंट होगी, इंडस्ट्रियां खुलेगी। मुझे आप गिनवाइए 2019 से कितनी इंडस्ट्रियां यहाँ खुली, और सरकार ये चला रहे हैं 2014 से, और तब से इन्होंने यहाँ क्या किया, कितनी इंडस्ट्रियां खुलवाई यहाँ, कितने लोगों को, कितने बेरोजगार जवानों को यहाँ, जो हमारे यूथ है उनको नौकरी दी, वो आप गिनवाइए। लेकिन यहाँ मैं बार बार ये वकालत करता आ रहा हूँ, जो हमारे गरीब लोग हैं, पसमंदा लोग हैं, आप उनकी हालत देखिए, मीटर लगाए गए, स्मार्ट मीटर लगाए गए, उनको बिजली की बिल कितनी अदा करनी पड़ती है, और जिनका पहले जो भर नहीं पाते थे बिजली फी, उनको इन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि FIR काटो। ये कहां का इंसाफ है? मुझे लगता है ये जो गरीबों के खिलाफ ये पॉलिसियां बना रहे हैं बार बार, मुझे लगता है ये जितने भी लोग हैं गरीब लोग, मुझे लगता है इनकी पॉलिसी वही है जो मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि गरीब को हटाओ। मुजफ्फर साहब, आज तो पीएम मोदी जो है आवाम को रुजू करते नजर आए, उन्होंने कहा कि कोई रिपोर्ट कार्ड आज तक पेश ही नहीं किया गया जम्मू कश्मीर की जो सरकारें रही हैं, और इसी वजह से घेराव जो है वो एनसी खसूसी तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का ही करते हुए नजर आए। चलिए ठीक है, ये घेराव की बात क्या कर रहे हैं, पिछले इन्होंने तो दावा किया था इन्होंने खराबी की है, पीडीपी ने खराबी की है, कांग्रेस ने खराबी की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खराबी की है, जितनी भी सरकारें यहां रही है, तो इनको अच्छा करना था ना, इनका अच्छा काम मुझे बताइए ना, लोगों को गांव के सिवा कुछ नहीं दिया इन्होंने, मुझे इनका गिनवाइए ना आप, एक काम गिनवाइए ना इन्होंने क्या किया। तो ये सड़कें उधर जब G20 था उधर रंग रोगन करके उससे उसको डेवलपमेंट नहीं बोलते ना, लेकिन इनको क्या, इनको लोगों को खत्म करना है, लोग खत्म करने हैं तो उसके बाद इनको क्या करना है। तो मुझे लोगों के लिए काम करना है, अगर सरकारें बनती है अल्लाह के बाद तो गवर्नमेंट होती है, अगर सरकार बनती है वो लोगों के लिए बनती है। फर्स्ट उसमें यह होता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस प्रायोरिटी गरीबों की रहनी चाहिए, और जो पसमंदा लोग हैं, जो फार फ्लंग एरिया में रहते हैं, उनके लिए कोई रोड मैप होना चाहिए, उनके लिए कोई रोड मैप नहीं है। आप देखिए इन्होंने कितना टाइम यही करते करते करोड़ों नौकरियां इन्होंने बोला था, ऐसे ये भी अभी जुमले है, करोड़ों नौकरियां इन्होंने बोला था, अब मुझे गिनवाइए ना कहां है नौकरियां, इन्होंने बोला था 15 लाख अकाउंट में जाएंगे, वो बताइए ना कहां है, पहले उसका आप बताइए ना, जो इनका पहले वाला मैनिफेस्टो था। सोहेल काजमी साहब का ठीक है सर, इसका जवाब भी ले लेंगे। सोहेल काजमी साहब, जम्मू कश्मीर का इलेक्शन जो है हर दिन के साथ दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, और पीएम मोदी के पहुंचने के बाद तो जो है सियासत और उरूज पर पहुंच गई है, क्या लगता है क्या मुद्दे इर्द गिर्द घूमते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं? मैजिक मैच चल रहा है, मुझे लगता है 8 अक्टूबर तक, अब 4 हफ्ते रह गए, और इसमें इंजीनियर रशीद जिस तरह जंप किए हैं, जिस तरह वो कंपेनिंग कर रहे हैं, और लोग भी जिस तरह से कंपेनिंग कर रहे हैं, आज प्राइम मिनिस्टर का विजिट भी अपने आप में कुछ ना कुछ बोलता है, तो लोग समझदार हैं। अगर प्रॉस्पेरिटी हुई है, अगर डेवलपमेंट हुई है, लोग खुश हैं भारतीय जनता पार्टी से,
संभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा है 50 पार हो जाएगा, बोलने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर कहीं नॉन परफॉर्मेंस रही है, लोग खुश नहीं है, लोग अलायंस को चाहते हैं, तो वो अलायंस को वोट करेंगे। ये जमहूरियत है, और जमहूरियत एक स्ट्रांग वाइब्रेंट जमहूरियत का मतलब होता है पीपल्स विल प्रिवेल करती है। आज लोग समझदार है, आपने देखा पार्लियामेंट के इलेक्शन में, ठीक है हर पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि मेरा मजबूत सरकार, स्टेबल सरकार, स्थिर सरकार होनी चाहिए, 400 का आंकड़ा देते थे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान ने वन गो में डिसाइड किया एक अच्छी अपोजिशन होनी चाहिए चाहे वो 99 की हो, और एक अच्छी सरकार होनी चाहिए चाहे मोदी जी की थर्ड टर्म हो। तो लोग समझदार हैं, लोगों से कोई बात छुपी नहीं है, क्या खोया, क्या पाया, क्या अच्छा हो सकता था। सरकारों का काम ही है काम करना लोगों की वेलफेयर के लिए। कोई भी सरकार जब 8 अक्टूबर को आएगी वो 5 साल यही करेगी कि सरकार इज लाइक ए ब्रिज एज फार एज डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी, कंड्यूसिव एटमोस्फेयर, एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल इज आर कंसर्न, दे हैव टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। सरकार बनाई किसके लिए जाती है? इतना हाई इन्वेस्टमेंट इन पॉलिटिशियनों पर क्यों किया जाता है कि वो रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को नरिश करें ताकि वो खुशहाली की तरफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज आगे बढ़े। अब क्या होना है क्या नहीं होना ये लोगों के डोमेन में है, क्योंकि द रियल ग्राउंड बैट बॉल इज विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड आई होप, मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है कि एक नया नरेटिव लोग सेट करेंगे और वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल नरेटिव होगा। ये खोखले नारे, गुकार गैंग, दूसरा गैंग, उस सरकार ने मिलिटेंसी, कोई सरकार मिलिटेंसी नहीं बढ़ाती है, कोई चीफ मिनिस्टर मिलिटेंसी नहीं बढ़ाता है, कोई चीफ मिनिस्टर भी जो है वो आउट ऑफ वे नेशनल इंटरेस्ट को छोड़ के काम नहीं कर सकता एक दिन भी। उन सबको नेशनल स्ट्रेंथ पे काम करनी होती है पूरी रियासतों में, और जम्मू कश्मीर तो बिल्कुल फोकस पे रहता है, और जहां जहां सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया अपने अपने रजीम में जम्मू कश्मीर के निर्माण में, और भगवान करे आने वाले दिनों में जो भी जिस तरह का भी ढांचा बढ़े उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ेंगी और ये नरेटिव आगे चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, और कोशिश भी यही की जा रही है कि अवाम को हकूक जो है वो मिले, अवाम की जो तरक्की है वो यहाँ पर हो सके। आदिल मन्हा साहब, एक जवाब आपसे ले लेंगे, मुजफ्फरदार साहब ने काफी सवाल आपसे पूछे। जी, मोदी जी ने आज स्पष्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखता होगा उसके अधिकार उसको दिलाए जाएंगे, उसके अधिकारों की रक्षा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है, और मोदी जी की ये गारंटी है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो दिलाया जाएगा। और जहां तक बात है योजनाओं की, तो आज योजनाओं के माध्यम से भी उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा किसानों के लिए जो हम 6000 रुपया जो पैकेज हम दे रहे हैं ऑलरेडी, उसको बढ़ा के हम 10000 रुपया करेंगे। और जहां तक बात है हम जो जम्मू कश्मीर की महिलाएं हैं उनके बैंक के खातों में 18000 रुपया जो है वो हम सालाना डालेंगे। तो इस तरीके से जो ये सारी चीजें हैं ये प्रूफ करती हैं कि मोदी जी जो हैं वो जम्मू कश्मीर की जनता को लेके, जम्मू कश्मीर के आवाम को लेके कितना ज्यादा सीरियस हैं, कितना पर्टिकुलर हैं, उनको कितनी चिंता है जम्मू कश्मीर की जनता की। तो हम लोग यही अपील करते हैं कि यहाँ पे जो हालात बिगाड़ने की जो कोशिश अन्य दलों की तरफ से जो की जा रही है वो कामयाब नहीं होगी, और भारतीय जनता पार्टी बड़े अच्छे तरीके से सरकार में आएगी और बढ़ चढ़ के लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। 8 तारीख का हमें इंतजार है, 8 तारीख को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि आवाम सब जानते हैं, और 8 तारीख को देखना होगा कि आवाम क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया चर्चा में, आप हमारे साथ शामिल। और इसी के साथ बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।